क्या हाल है स्वयं प्रमोद यादव। तो अभी मैं बैठा हूँ कावासाकी Z900 के सामने, 2023 लेटेस्ट मॉडल है भाई ये, और काफ़ी एग्रेसिव स्पोर्ट्स बाइक है भाई। तो आज इस वीडियो में इसकी बात करें, क्या बाइक है, क्या प्राइस वैल्यू पे आ रही है और क्या चीज़ है, बहुत गजब है भाई। और नहीं हो तो फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये खड़ी अपने पास 2023 कावासाकी Z900। तो भाई ये है नेक्ड बीस्ट, स्पोर्ट्स नेक्ड बीस्ट, काफ़ी मतलब एग्रेसिव बाइक है और मैंने चलाई है, काफ़ी अग्रेसिव मतलब बहुत तगड़ी बाइक है दिखने में और चलने में। और ख़ास बात CVO यूनिट है, मतलब ये कम्प्लीटली बिल्ड आती है, बाहर से इम्पोर्ट होती है, यहाँ पे कुछ असेंबलिंग वगैरह नहीं होती जैसे कि कावासाकी निंजा 300 में होती है, बट ये कम्प्लीटली बन के आती है। तो ये चीज़ थोड़ी सी बढ़िया होती है, इसलिए थोड़ी कॉस्टली भी है। प्राइस की बात करें 10,30,000 रुपये की पड़ती है ऑन रोड गुड़गांव में। और स्टार्ट करते हैं अब इसके फ्रंट से। तो फ्रंट लुक देख लो भाई, एक एनिमल लुक देती है, बहुत ही एग्रेसिव। ये एक एनिमल पे सी इसकी लुक है भाई, बहुत ही साफ एग्रेसिव, देख के ऐसा डर सा लगता है भाई, कितनी हैवी बाइक है, क्या भगती होगी ये। तो ऐसी भगती भी है, और ये मतलब इसका वाइज़र छोटा सा मिलता है, वाइज़र तो क्या ही, मतलब थोड़ा सा लुक के लिए बोल लो, ब्लैक में मिलता है, ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट सा। और LED इंडिकेटर्स हैं, काफ़ी अच्छी प्रीमियम इंडिकेटर मिलते हैं आपको यहाँ पे। और यहाँ पे आपको जो फ्रंट फेस है LED लाइट मिलता है, ये देखो लाइट यहाँ पे ऊपर नीचे कैसे दे रखी है, फिंस दे रखा है, डिज़ाइन काफ़ी शार्प एंड ऑन पॉइंट है। यहाँ पे ग्रे कलर है, डार्क ग्रे, ग्लोसी है ये, और ग्लोसी सेक्शन इसमें पूरा स्पार्कल्स भी चमकते देख सकते हो, रात के टाइम भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। ब्लैक एंड रेड के साथ कलर कॉम्बिनेशन दे रखा है। यहाँ पे LED इंडिकेटर यहीं पे दे रखे, देखो कहाँ, मतलब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों जगह काफ़ी अच्छी है, मतलब ये लुक काफ़ी अच्छी देती है। सिंगल ऑन है बट लाउड बहुत रहेगा, काफ़ी अच्छी आवाज़ रहेगी। यहाँ पे USD फोक्स मिलते हैं फ्रंट में, काफ़ी अच्छी सस्पेंशन क्वालिटी है एंड एडजस्टेबल है, बट आप खुद नहीं कर सकते। मोनोसोक भी मिलता है, वो भी एडजस्टेबल है, बट वो आपको शोरूम पे ही करवा, सर्विस सेंटर पे ही करवाना पड़ेगा। मडगार्ड देख लो, ये ग्रेस कलर में, ग्लोसी में, ब्लैक स्ट्रिप दे रखी, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी, बहुत अच्छी है, टॉप नोच टॉप क्वालिटी इसकी बिल्ड क्वालिटी, और प्लास्टिक बॉडी क्वालिटी जो भी है फाइबर। ये ब्लैक सेक्शन है, ABS ब्रांड मिलती है यहाँ पे, डुअल चैनल ABS के साथ मिलती है भाई। यहाँ पे आपको ब्रेक मिलते हैं निशिन, काफ़ी बढ़िया है, निंजा 400 में भी यही मिलते हैं, और ब्रेकिंग इसकी ना सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी अच्छी बाइट आती है, और ऑन पॉइंट कंट्रोल है, मतलब आप कॉन्फिडेंस है अगर आप चलाओगे ना स्पीड में कि हाँ भाई इतनी तेज़ भाग रही है तो ब्रेकिंग तो हाँ आप रोक सकते हो, कॉन्फिडेंस पूरा पूरा आने वाला है। यहाँ पे Z900 की यहाँ पे भी मिलते हैं, लो इस पे ब्रांडिंग, ग्रे इस कलर में स्ट्रिप्स दे रखे हैं, रेड अलो इस वाले कलर में, और भी कलर आते हैं इसमें, वो भी काफ़ी अच्छे, ग्रीन भी उसमें और ग्रे भी है, तो ये कलर काफ़ी अच्छा है। वैसे रेड इसके अलॉय मिलते हैं, काफ़ी कूल लगते हैं, डुअल डिस्क मिलते हैं फ्रंट में, ये देखो मतलब क्या तगड़ी ये चीज़ है भाई, बहुत तगड़ी, क्योंकि ब्रेकिंग चीज़ में अच्छी पावर है, तो ब्रेकिंग तो इसकी अच्छी है। फ्रंट में 120 सेक्शन का फ्रंट टायर मिलता है भाई आपको यहाँ पे, और ट्यूबलेस टायर है, काफ़ी चौड़े टायर है, मतलब ग्रिप जो है वो तगड़ी आएगी, जिससे हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी रहेगी। और ये देखो आपको डनलोप के टायर्स मिलते हैं आपको यहाँ पे, और स्पोर्ट्स मैक्स के, काफ़ी बढ़िया टायर्स हैं, तो हैंडलिंग ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी आने वाली है आपको। रेडिएटर देख लो कितना बड़ा है, हीटिंग होती है तो उसके लिए रेडिएटर सही है, हीटिंग थोड़ी बहुत तो होएगी क्योंकि इतनी बड़ी बाइक है भाई ये। और बाकी बात करते हैं इसके साइड से, ये देखो इसकी साइड लुक, मतलब कितनी एग्रेसिव लग रही है भाई इसकी शार्प लुक, और ये कलर कॉम्बिनेशन मतलब रेड ब्लैक ग्रेस डार्क ग्रे है ना, कितना सही लग रहा है। मैट ब्लैक का इंजन सेक्शन दे रखा है, कितना यहाँ पे डिज़ाइन, कितनी हैवी इंजन सेक्शन, कितना हैवी लग रहा है, तो ये सच में बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो डिज़ाइन मेरे को तो पर्सनली इसकी साइड लुक बहुत ज़्यादा मस्त लगी, एग्रेसिव, आप बताना कमेंट करके मुझे। बाकी यहाँ पे Z900 लिखा मिलता है आपको रेड में ब्लैक में, ये रेड ग्राफिक्स, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं है, और जो चेसी कलर है वो डार्क रेड सा है, और ये ग्रे सा, एंड यहाँ पे कावासाकी लिखा मिलता है 3D में ब्लैक में, काफ़ी सही लग रहा है। फ्यूल टैंक डुअल टोन है, ब्लैकिश ग्रेस एंड बट है ग्लोसी में ही, काफ़ी सही लग रहा है ये अपना। और 17 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है आपको यहाँ पे, तो फ्यूल टैंक सही है अपने जगह, काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी अग्रेसिव फ्यूल टैंक, मतलब स्पोर्ट्स नेक्ड बाइक है तो इतना हैवी फ्यूल टैंक का आप जब बैठोगे ना तो पूरा पूरा फील आने वाला है यहाँ पे, हैंडल बार और आपके बीच में यहाँ पे जो फ्यूल टैंक है ना काफ़ी ग्रैब कर लेगा आपको लेग्स को यहाँ पे, और काफ़ी बढ़िया मज़ा आने वाला है चलाते वक्त आपको यहाँ पे। यहाँ पे Z900 लिखा है कावासाकी, मैंने आपको बता ही दिया। इंजन की बात कर लेते हैं मेन इसके बीस्ट हर्ट की, तो भाई 900cc आपको इंजन मिलता है, इनलाइन 4 सिलेंडर, मतलब काफ़ी स्मूथ, और आवाज़ जो आएगी ना भाई गदर। और पावर आउटपुट की बात कर लें तो इसमें आपको पावर मिलती है 125 HP एंड टॉर्क मिलता है आपको 98 Nm ऑफ टॉर्क, मतलब इतना तगड़ा इनिशियल पिकअप, एक तो स्पोर्ट्स नेकेड बाइक और इतनी तगड़ी खींच के जाएगी ना ये,
फाड़ देती है भाई बहुत ज़्यादा, और टॉप स्पीड अचीव कर लेती है अराउंड 250। और FI है तो माइलेज की बात करें तो अराउंड 20 km/h के आसपास देती है। स्पोर्ट्स बाइक है, सुपर बाइक है यार, इतनी माइलेज तो इनमें कमी होती है, बाकी आपके राइडिंग स्टाइल पर डिपेंड है, थोड़ा सही चलाओगे तो दे भी देगी। इसमें आपको राइड मोड मिलते हैं तीन, रेन, रोड, स्पोर्ट्स। तो रेन में चलाओ तो कम थोड़ी माइलेज अच्छी दे देगी, कम पावर मिलेगी थोड़ी, और रोड में मीडियम मिलता है पावर, और स्पोर्ट्स में फुल पावर, वहाँ माइलेज आपको थोड़ी कम मिलेगी। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे नीचे स्पोर्ट्स थोड़ा सा उड़ दे रखा है, सही है। इनलाइन 4 के पाइप्स कुछ ऐसे जा रहे हैं, काफ़ी सही लग रहे हैं, देखो कैसे बढ़िया से लुक आ रही है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 145 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, ये देख लो इतना है, ठीक है इस बाइक के हिसाब से, ठीक है स्पोर्ट्स बाइक है वैसे भी। साइज 10 इंजन कट ऑफ फीचर के साथ साइज 10 मिल जाता है आपको यहाँ पे। 6-speed गियर बॉक्स काफ़ी स्मूथ है, अप डाउन काफ़ी अच्छा रहेगा, शिफ्टिंग काफ़ी बढ़िया है, इवन ट्रैक्शन कंट्रोल भी अब इसमें दे दिया है जो कि पहले नहीं आता था इस मॉडल में, तो ट्रैक्शन कंट्रोल की बहुत जरूरत थी इस बाइक में, वैसे भी यार इतनी पावर है तो ट्रैक्शन कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएगा। और बात करें इसकी हैंडल बार की, तो इसका हैंडल बार थोड़ा स्पोर्ट्स नेकेड लुक है, थोड़ा सा डाउनवर्ड ही है, थोड़ा अपराइट है, तो हाथ में वैसे तो पेन होने नहीं वाला, कंफर्ट के लिए है। 6R हो गई, 10R हो गई, उनमें तो आपकी बॉडी काफ़ी नीचे रहती है, बॉडी में थोड़ा पेन हो सकता है सिटी में चलाने के लिए लॉन्ग राइड पे, बट ये आप लॉन्ग राइड सिटी चला सकते हो काफ़ी इजीली, कंफर्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। फुटपैक थोड़े से रिवर्स सेट है पीछे, तो बाकी स्पोर्टी पोजीशन रहेगी थोड़ी आपके यहाँ पे। और हैंडल बार की ग्रिप काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी बटन्स की टॉप नोच है। अभी अपने पास बैटरी कनेक्शन नहीं है तो मैं आपको आवाज़ इसकी सुना नहीं पाऊँगा, तो मीटर भी नहीं दिखा पाऊँगा इस वजह से। बाकी क्लच देख लो, काफ़ी लाइट असिस्ट स्लीपर क्लच है, एडजस्टेबल लीवर्स हैं यहाँ पे क्लच एंड ब्रेक के दोनों के ही, एंड बटन देख लो, इंजन किल स्विच बटन मिलता है यहाँ पे, ये सेल्फ स्टार्ट मिलता है, ये मीटर को कंट्रोल करने के लिए सिलेक्ट बटन, काफ़ी प्रीमियम है। हैजार्ड लाइट मिलती है आपको यहाँ पे, तो चारों इंडिकेटर ब्लिंक करेंगे आपके, ये हॉर्न है, ये बटन ऐसे कुछ मिलते हैं, ये इधर से ऐसे कुछ ये बटन मिलता है यहाँ पे इंडिकेटर के, तो सही है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और मिरर मिलते हैं कुछ इतने से, थोड़े छोटे रहते हैं, विजिबिलिटी ठीक ठाक रहेगी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बेस्ट तो नहीं बोलूँगा मैं, पर सही है। मीटर इसका इतना साइज़ मिलता है, TFT कलरफुल डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको सारी चीज़ें दे देता है, ऑलमोस्ट ब्लूटूथ हो गई, राइड मोड हो गई, ट्रैक्शन कंट्रोल का हो गया यहाँ पे, और जो है अपना टाइमिंग, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, अपना रेंज, और थोड़ी माइलेज भी दिखा देगी ये चीज़ें इसमें ना, और काफ़ी सही है मीटर, मतलब इसका मैंने चलाई है बाइक, ये इसका राइड रिव्यू भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, देख लेना, वो व्लॉग है अपना देख लेना, तो उसमें पता चल जाएगा। बटन भी प्रेस होते हैं काफ़ी इजीली, तो मीटर काफ़ी अच्छा है, सारी चीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड अब बात करें भाई इसकी सीट की, सो 720 mm की सीट राइड मिल जाती है, 820 mm की, तो थोड़ी ऊंची है, और यहाँ पे पैडिंग बहुत अच्छी सीट की, कंफर्टेबल है, काफ़ी चोटी राइडर के लिए पूरा स्पेस है, पिलियन के लिए भी ठीक है, थोड़ी सी भीड़ी है यहाँ से, थोड़ा स्पेस हो सकता था, बट ठीक है पिलियन, ये थोड़ा डर तो लगेगा भाई पिलियन को यहाँ पे, क्योंकि एक तो ऊँची हो गई और एक छोटी हो गई, और पकड़ने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा खास है नहीं ग्रैब रेल, तो ये दिक्कत आएगी पिलियन को। तो सुपर बाइक में थोड़ा पता है पिलियन के लिए आपको लिख थोड़ा कम ही रहता है, बट सीट है वो बड़ी बात है, 6R में तो आती भी नहीं है, 10R में तो आती है वैसे, तो ये कुछ सीट का हो गया, बाकी इसको लॉन्ग राइड सिटी राइड आप कर सकते हो आराम से। और भाई टॉप स्पीड की बात करूँ तो अराउंड 250 km/h पकड़ लेती है ये, बहुत बढ़िया इस चीज़ में। एंड मोनोसोक मिल जाता है पीछे की तरफ, वो साइड की तरफ मैं आपको दिखा दूंगा। एंड पीछे का टायर देख लो भाई, 180 सेक्शन का, कितना चौड़ा टायर है, मतलब कितना चौड़ा टायर, बहुत अच्छी ग्रिप आएगी, हैंडलिंग जो है एक नंबर की रहेगी, चिपक के चलेगी रोड के, आप जब भगाओगे ना 200 की स्पीड में तो कॉन्फिडेंस पूरा पूरा आने वाला आपको यहाँ पे। LED लाइट मिलेगी पीछे से, काफ़ी अच्छी लुक है पीछे से, लुक देख लो इतनी साफ लुक आती है, हैवी, बहुत हैवी बाइक लगती है ये आपको। LED इंडिकेटर, टेल लाइट, कुछ ऐसी लुक मिलती है, तो मेरे को तो कस्टम से बहुत पसंद है भाई, ड्रीम बाइक बोल लो, किसी आपकी भी है तो कमेंट करके बताना। यहाँ पे रेड ग्राफिक्स है, ये पूरा ब्लैक सेक्शन है, ये देखो ग्लोसी ग्रेस, डार्क ग्रेस कलर्स है, मस्त लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और एग्जॉस्ट डिज़ाइन कुछ ऐसा मिलता है, काफ़ी स्पोर्टी लुक दे रखी है यहाँ पे, ये कुछ ऐसा है, बढ़िया है। और आवाज़ जो है ना इसकी, कस्टम एग्जॉस्ट लगाओगे जब तो फाड़ ही देगी, स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी आवाज़ है, बट सुना नहीं पाऊँगा, सॉरी भाई उस चीज़ के लिए, क्योंकि बैटरी कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे आपको मिल जाता है मोनोसोक ब्लैक कलर में, जो कि एडजस्टेबल है, सर्विस सेंटर में जाकर करवा सकते हो। एंड वेट की बात करो, 212 kg का कर्व वेट मिल जाता है, और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है,
बढ़िया मतलब लगती है बाइक दिखने में और सही है, थोड़ी ज़्यादा वेट भी नहीं है और पावर काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है आपको यहाँ पे 0 to 100 बाई 3.7 सेकंड में। तो आप आईडी लगा सकते हो कितनी तेज़ भागती है ये, और हॉट सेलिंग बाइक है। आप खरीद के बेचना भी चाहोगे ना तो बहुत जल्दी बिक जाएगी, रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी इस बाइक की। और ये देखो डिज़ाइन वगैरह पूरा ग्राफिक्स ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, इवन मुझे काफ़ी पसंद है, मेरी फेवरेट भी है, मैंने चलाई भी है ये। तो आपके भी ड्रीम बाइक है तो कमेंट करके ज़रूर से बताना कौन कौन बंदे Z900 लवर हैं, कमेंट करके बता देना एक बार से, कावासाकी लवर्स यहाँ पे अटेंडेंस दे दो, मुझे भी पता चले कितने बंदे कावासाकी रखने का मतलब लेने का ड्रीम करते हैं, किस किस को पसंद है। ठीक है, तो मैंने ओवरऑल सारी चीज़ इसकी बता दी है आपको, तो काफ़ी अच्छी बाइक है नो डाउट भाई। इसमें एक कलर ये भी आता है जो कि बाकी तो सब सेक्शन सेम ही है, डार्क ग्रे ब्लैक सब सेम है, बट इसमें क्या है जो रेड की जगह है ना एक्सेंट वो ग्रीन है। ये देखो आप इसको एलोए ग्रीन मिलते हैं, यहाँ पे पूरा ब्लैक ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, ये ग्रीन यहाँ पे ग्राफिक्स मिल जाते हैं, यहाँ पे Z900 ग्रीन में, ये चेसी ग्रीन कलर में, ये देखो इवन यहाँ पे चेसी का भी ग्रीन कलर, ये पीछे एलोए भी ग्रीन कलर एंड यहाँ पे चेसी ग्रीन कलर, बाकी तो दिखने में बाकी ओवरऑल कलर ये पूरा सेम है उसका जैसा ही, ये देख सकते हो आप कुछ अलग नहीं है। कावासाकी का ये ब्रांडिंग है, ये आपको ब्लैक में मिलती है यहाँ पे, और उसमें भी ब्लैक में ही थी तो ये है। तो भाई आपने ये देख ली ब्यूटी, और भाई ये मॉन्स्टर काफ़ी बढ़िया है, और मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा ये, और ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना, और Z900 लवर कावासाकी लवर कमेंट करके मुझे बता देना एक बार से, कुछ और वीडियो चाहिए मुझे बताना मैं लेके आ जाऊँगा। और सब्सक्राइब करें, वही आपको पता है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और वीडियो बताना कैसी लगी सही में। तो 300-400 की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, कावासाकी 300 और कावासाकी 400 की। और चलो बाकी मेरी तो भाई फेवरेट है, बता दो फिर से, मेरे को काफ़ी पसंद है ये बाइक, और राइडर भी चैनल पर मिल जाएगा। चलो बाकी शोरूम की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक खुश रहो, मौज लो, बाय।